आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लिखा है 3 + √5 और 2 + √3, है ना। क्या ये और ये सेम है, यानी कि ये ए है, अगर इसको ए माने और इसको बी माने तो ये ए और बी ऐसा कुछ है, कोई सेम तो है नहीं। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे डॉट लगा लिए या मल्टीप्लाई मान लिए या कुछ ना लगाइए, लेकिन ये याद रखिए यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, उसकी एक ट्रिक है। उसकी ट्रिक यह है या उसका तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, ये जो पहला नंबर है इस पहले नंबर से इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ये जो दूसरा नंबर है प्लस लगा के इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसको ऐसे दिखाएंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। देखिए करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, पहले आप ये वाला नंबर 3 उतार लिए, उतार लिया, अभी आप √5 को छुपा लिए, आपको क्या दिख रहा है 2 + √3 आगे दिख रहा है ना, तो ये जस्ट ब्रैकेट इसके बगल में उतार लिए, क्या उतार लेंगे 2 + √3 उतार लिया, ठीक। अब आपने जो छुपाया था उसको नोट करिए, क्या छुपाया था, √5 छुपाया था ना, और √3 छुपा लिए, √5 को नोट करिए, प्लस √5 को नोट किया, ये वाला है ना। अब आगे क्या दिख रहा है आपको, फिर से 2 + √3 ब्रैकेट में, फिर आपने 2 + √3, ठीक। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, हमने जैसे बताया था इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, देखिए अब वही कंडीशन आ गई कि ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर ये 3 इससे होगा, 3 × 2 = 6 प्लस 3 √3 कितना हो जाएगा, 3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, नहीं 3 और ये रूट यहाँ लगा है, इसमें रूट नहीं लगा है, तो 3 √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √3 ही आएगा, ये कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ ये भी √3 होता है तो √3 × √3 √9 हो जाता, ठीक है। इसी तरह प्लस ये लगाया √5 × 2 क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों से इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ब्रैकेट के जो नंबर बाहर होता है वो अंदर के ब्रैकेट के सारे नंबर से मल्टीप्लाई होता है, √5 × 2 = √5, ठीक बेटा क्लियर, अमला थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो। प्लस अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस प्लस माइनस हो जाता, अगर यहाँ प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब ये √5 इससे मल्टीप्लाई होगा, आप देखिए दोनों रूट में है, √5 × √3 कितना हो गया √15, 5 × 3 = 15। अब देखिए ये 3 है, खाली एक नंबर कॉन्स्टेंट है, वैसे आंसर यही हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अगर ऐसा होता कि ये √3 √3 लिखा है, जैसे ये सपोज करिए कि ये 3 √3 लिखा है और यहाँ पर 2 √5 है, 2 √5 ना हो गया 2 √3 होता, यानी कि ये √3 यहाँ भी और ये √3 यहाँ भी, तो ये दोनों जुड़ सकते थे, 3 × 2 = 5 हो जाता और 5 √3 हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट वाले नंबर सेम नहीं हैं, अलग अलग हैं, और 6 किसी से ऐड नहीं हो सकता है, ना 2 से ना किसी से, सब रूट में है, तो ये आंसर इसका बस यही हो जाएगा। और ज़बरदस्ती अगर हमें आगे बढ़ाना भी है तो √5 15 को 3 √3 × √3 √3 × √5 लिख लेंगे, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं, बस यही हो गया। अगला सवाल आपको SW दे रहे हैं, ये सारे सवाल करने हैं, ये वाला वैसे दूसरा अलग करिए और ये a + b² लगा करिए और ये अलग भी करिए।